बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज मन्ना खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मन्ना खान ब्लॉग। आज मैं ब्लॉग डालने वाला था लेकिन कुछ तबीयत सही नहीं है, जिसकी वजह से मैं रात में ब्लॉग को एडिट नहीं कर पाया। तो आज मैं सोचा कि आप लोगों से बातें ही कर लूँ, क्योंकि एडिट करने में ज़्यादा समय लगता, और सोचा कि कुछ जो नए यूट्यूबर्स हैं उनको एक दो टिप्स दे दूँ। तो फर्स्ट ब्लॉग क्यों नहीं आया, तो वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। मैं कल चला गया था सुबह 9:30 करीब में देवरिया, थोड़ा वहाँ पे कोर्ट कचहरी का कुछ काम था। तो वहाँ पे जाने के बाद मुझे लोग 5:30-6 तक वहाँ पर रुकना पड़ा, जिसकी वजह से काफ़ी मैं थक गया था, और उसी कारण मैं आते ही यहाँ पे सो गया घर पे और ब्लॉग एडिट नहीं कर पाया। और अभी भी उठा हूँ तो लगभग मैं 10 करीब में उठा हूँ, उसके बाद मैं फ्रेश व्रेश हो के ये मतलब आप लोगों से बातें कर रहा हूँ। ये जस्ट आज ही के दिन का ये मतलब ब्लॉग है, मैंने अभी उठ के इसको मतलब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसी वजह से मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया। और मैं जानता हूँ आप लोग को मार्केट देखना पसंद है और आसपास की जगह देखना पसंद है, और पता नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये इस वाले ब्लॉग पे ज़्यादा व्यूज या सब्सक्राइबर्स मुझे मिलेंगे। खैर, फिर भी मेरा बताना फर्ज है क्योंकि मैं एक ब्लॉगर हूँ। और रहा सवाल नेक्स्ट ब्लॉग, तो नेक्स्ट ब्लॉग आपको कल मिलेगा, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग की हुई है और मैंने बस उसे एडिट करना है। एडिट करने में थोड़ा समय लगता है, 3-4 घंटे का, और मैं सुबह के टाइम ही ब्लॉग डालता हूँ, तो मैंने सोचा कि आज ना डाल के मैं कल ब्लॉग डाल दूँगा। तो और जो नए यूट्यूबर्स हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि वो लोग वीडियो डालना बंद ना करें, और अगर आप लोग को वीडियो बनाने में कोई दिक्कत हो रही है, जैसे कि मेन प्रॉब्लम यही होती है कि वीडियो में रिकॉर्डिंग करते हुए बोलना, तो मैं आप लोगों से बता दूं, मैं रिकॉर्डिंग करते हुए नहीं बोलता हूं। मैं पहले मार्केट का वीडियो रिकॉर्ड करके उसके बाद उसके अकॉर्डिंग उसकी जानकारी इकट्ठी करता हूं, और उसके बाद मैं उस पर अलग से आवाज़ रिकॉर्ड करके डालता हूं, क्योंकि मार्केट में रिकॉर्डिंग करते हुए बोलने में थोड़ी सी आवाज़ धीमी हो जाती है, और हालांकि उसे हम लोग बढ़ा सकते हैं, लेकिन बढ़ाने के बाद वो आवाज़ बहुत ही तीखी लगने लगेगी कानों में, जिसकी वजह से लोगों को वो पसंद नहीं आता है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप पहले मार्केट का वीडियो रिकॉर्ड करिए, और उसके बाद उसको एडिट करते वक्त उसमें आवाज़ डालिए आप, उससे आपको काफ़ी इजी हो जाएगा। आप एक एक चीज़ बिना हकलाए हुए, बिना मतलब आपकी जबान लड़बड़ाएगी भी नहीं, और आप उसको आराम से रिकॉर्ड भी कर लेंगे, उस पर वॉइस भी रिकॉर्ड हो जाएगा आपका। और रहा सवाल व्यूज़ के, तो देखिए, व्यूज़ लोगों को पसंद आएगा अगर आपका वीडियो, तो वो क्या करते हैं कि पूरा वीडियो देखते हैं, और पूरा वीडियो देखने के बाद YouTube क्या करता है, उसको और ज़्यादा आगे प्रमोट करता है कि ये वीडियो काफ़ी अच्छी है और लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है, जिसकी वजह से लोग और ज़्यादा उस पर मतलब देखना स्टार्ट करेंगे। हालांकि कुछ और भी मेजर्स इतनी होते हैं, जैसे कि टैग करना, और YouTube पे जो आप टाइटल डाले हैं उसको सही तरीके से लिखना, इसके लिए काफ़ी सारे YouTube पे वीडियो हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं कि कैसे हम लोग टाइटल अपने ब्लॉग का लिखें या वीडियो का लिखें, कैसे हम लोग उसको टैग करें, क्या क्या चीज़ें हम लोग को ध्यान में रखनी पड़ेगी टाइटल लिखते हुए या ब्लॉग टैग लिखते हुए, तो इन सब की बहुत सारी YouTube पे आपको वीडियो मिल जाएंगी, आप वो भी देख सकते हैं। और अदरवाइज अगर कोई दिक्कत हो रही है जिसकी वजह से आप मार्केट की वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या मतलब कैसे हम बनाएं, और या फिर क्या दिक्कत हो रही है, आप मुझे ये बता सकते हैं। और एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप किसी भी ब्लॉगर से ये मत कहिए कि यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, या फिर किसी को भी आप जाके ये मत कहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखिए, वो आपके चैनल को आपके कहने पर सब्सक्राइब कर देगा, लेकिन वीडियो देखने के बाद या फिर उसे कंटेंट पसंद नहीं आया तो वो आपको तुरंत अनसब्सक्राइब भी कर देगा, तो उससे आपके YouTube के नज़र में आपकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। तो मैं कहूँगा कि आप ये गलती कभी ना करें। और रहा सवाल सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो देखिए, आप वीडियो डालना बंद मत करिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे लगभग आज साल भर होने जा रहा है, मैंने बीच में अपना
तीन चार महीने का, लगभग तीन चार नहीं साल भर मैंने अपना ब्लॉग बंद रखा था, और लगभग मेरे चैनल को 1.5 साल होने जा रहा है। सॉरी, नीचे वो गाड़ी थोड़ी सी स्टार्ट की जा रही है तो इस वजह से काफी दिक्कत हो रही है। मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, काफी ज्यादा आवाज हो रही है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, नीचे दिख रही है वैन, उसी को स्टार्ट किया जा रहा है। भैया मेरे स्टार्ट कर रहे हैं तो काफी ज्यादा आवाज आ रही होगी। तो मैं आप लोग को बता दूं कि आप किसी से ये मत कहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो या फिर लाइक कर दो, नहीं, आप बस ब्लॉग डालते रहिए, लोगों को पसंद आने के बाद वो खुद ही आपके चैनल पे आना शुरू हो जाएंगे। और जैसा कि मेरे लास्ट ब्लॉग पे काफ़ी ज़्यादा मुझे प्यार मिला है आप लोग का, तो मैं उसके लिए आप लोग को शुक्रिया कहना चाहूँगा, और ऐसे ही अपना प्यार मुझ पर बनाए रहें, ठीक है। और मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग जिनका भी ब्लॉग देख रहे हैं उनको सब्सक्राइब करें, अगर ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, उससे होगा कि उस सामने वाले बंदे का भी हौसला बढ़ेगा, ठीक है। तो और बस यही सब, और जो नए यूट्यूबर्स हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो डालना बंद ना करें। देखिए, यूट्यूब पे है कि आप वीडियो डालते रहिए, एक ना एक दिन कोई ना कोई वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा वायरल होगी, जिसकी वजह से आपके सब्सक्राइबर भी होंगे और वॉच टाइम भी जो आपका है वो भी क्लियर होगा। तो मैं आप लोग से यही कहूँगा कि वीडियो डालना बंद ना करें, कौन सी वीडियो वायरल हो जाए कोई नहीं जानता है। तो खैर, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।